हम कहीं बेटी के घर का अन्न अगर पा लिए हैं तो यहाँ शास्त्र कह रहा है, भगवान शिव कह रहे हैं कि अगर माता पिता जीवित हैं और माता पिता अपने बेटी के घर अगर नहीं जा सकते तो वह अपने बेटे को कहते हैं कि तू जा, और तू जाकर अपनी बेटी के यहाँ, अपनी बहन के घर जाकर रक्षाबंधन पर राखी बंधवा, जाओ तुम जाओ। और भगवान गणेश जी महाराज राखी काय पर बैठकर बांधी जाती है, अरे बोलो तो, एक चौकी पर, पाटे पर, आसन पर बिठाकर रक्षा सूत्र बांधा जाता है। राखी बांधने के बाद बहन भाई के माथे पर, अरे बोलो तो, तिलक कर, आप लोग भी तिलक करते हैं। तिलक क्यों किया जाता है तो कहते हैं ये तिलक हमारे यहाँ शुभ कार्य का प्रतीक है, पर तिलक प्रतीक है, पर जो चावल हम तिलक में लगाते हैं ये क्यों लगाते हैं, ये चावल का क्रम कहाँ से चालू हुआ, सिर में चावल चिपकाना, तिलक लगाने के बाद चावल लगाना, कहाँ से चालू हुआ, ये चावल है क्या, आखिर ये चावल तिलक के बाद में ब्राह्मण या आप किसी को भोजन करा रहे हो, जमाई को तिलक कर रहे हो, बेटी को तिलक कर रहे हो, तो कंकु लगाने के बाद चावल क्यों लगाया जाता है, उस चावल का क्या प्रमाण, उस अक्षत का क्या प्रमाण, क्यों लगाते हैं उसको, लगाते लगाते पूरी जिंदगी हो गई, अरे तो बता दो क्यों लगाते हैं, वो चावल का क्या प्रमाण है, कि कंकु का तिलक तो लगाया वो हमारे यहाँ शुभ कार्य का प्रतीक है, समृद्धि का प्रतीक है, पर जो अक्षत हम माथे पर किसी के लगाते हैं कंकु लगाने के बाद में, चंदन लगाने के बाद में जो चावल लगाया जाता है वो चावल का क्रम क्या है, तो शास्त्र कहता है सुंदर विष्णु पुराण में भगवान वेदव्यास जी ने वर्णन करा, जिसके मस्तक पर तिलक लगाया जाता है वो शुभ कार्य का प्रतीक होता है, और अक्षत इसलिए लगाया जाता है कि इस अक्षत के माध्यम से आपकी जिंदगी में यह शुभ कार्य निरंतर चलता रहे, इसलिए अक्षत उसके माथे पर लगाया जाता है, शुभ कार्य के लिए निरंतर चलने के लिए, इसको कहते अक्षता, अक्षता का मतलब क्या है, निरंतर चलता रहे, निरंतर बढ़ते रहो। दूल्हा दुल्हन की जब जयमाला होती है, आपके यहां होता कि नहीं होता पता नहीं, पर महाराष्ट्र में तो एक नियम है कि दूल्हा दुल्हन की जब जयमाला होती है तो सबको पीले चावल दिए जाते हैं, इधर देते हैं क्या है, तो पीले चावल देते हैं, और पीले चावल देकर फिर उसको स्वस्ती वचन के अनुसार उसमें छोड़ा जाता है शुभ मंगला, अरे बोलो तो, सावधान शुभ मंगला, सावधान। उसके ऊपर छोड़ते हैं कि सावधान, और ये चावल तुम्हारे मस्तक पर जो पड़ा हुआ है, तुम्हारे मस्तक पर जो डाला जा रहा है, तुम्हारी जिंदगी इसी प्रसन्नता में निरंतर बढ़ती चली जा, वो अक्षता का मतलब है। केवल एक देव है महादेव जिनको खंडित चावल कभी नहीं चढ़ता, शिव जी को आप बहुत सारा चावल नहीं चढ़ा सकते, एक दाना चढ़ाओ पर खंडित मत चढ़ाओ। अक्षत शंकर को कोई चीज खंडित नहीं चढ़ती, बेलपत्र भी चढ़ाओ, भले एक चढ़ाओ पर पूर्ण चढ़ाइए। भगवान भोलेनाथ को पुष्प चढ़ाइए, पूर्णता में चढ़ाइए। हम कई जगह मंदिरों में जाते हैं तो भगवान के ऊपर फूल देखते हैं, तो फूल कई बार शिवजी के ऊपर, कई बार शिवजी के ऊपर, भगवान के ऊपर, आपके घर के मंदिर में कई बार कई लोग जो पुष्प चढ़ाते हैं वो पुष्प चढ़ाने का तरीका भी लोगों को नहीं मालूम, जो फूल चढ़ाते हैं वो कई बार देवता के ऊपर रख देते हैं इस तरह से। भैया शास्त्र कहता है जिसके ठाकुर जी पर, जिसके मंदिर में, जिसके देवी देवता पर अगर पुष्प को उल्टा रख दिया जाए तो जितने शुभ कार्य हमारे घर में होना वाले रहते हैं वो सारे टलते चले जाते हैं। आज की जगह कल, कल की जगह परसों, परसों की जगह नरसों, नरसों की जगह खरसों, तुम करके देखना अपने आप शुभ कार्य टलेंगे। इसलिए भगवान के सम्मुख में जो पुष्प चढ़ाया जाता है वो सीधा चढ़ाया जाता है। यहाँ तक शास्त्र कहता है अगर भगवान को पुष्प चढ़ा रहे हो तो अगर सीधा और उल्टा नहीं मालूम तो नीचे की जो डांट है उसको तोड़ दीजिए और पत्ती की पत्ती, पंखड़ी की पंखड़ी भगवान को समर्पित कर दीजिए, वो शिव जी को स्वीकार होगा, वो भगवान को स्वीकार होगा। ये उसी में कहा है, उसी में कहा सुख, सुख
जैसे पानी में पड़ा हुआ पुष्प, काय में पड़ा हुआ, अरे बोलो जम के, पानी में। कई माताओं की आदत रहती है, हमने कई कई ब्राह्मणों को भी देखा, कई कई लोगों को देखा, क्या करते हैं कमंडल ले जाते हैं, कमंडल डोलची, कमंडल में पानी रहता है, एक बाल्टी में पानी रहता है, और पेड़ पे से तोड़ तोड़ के उसमें डालते रहते हैं, फूल को तोड़ा उस बाल्टी में डाल लिया, बाल्टी में पानी है, उस पानी में फूल डल गया, और अगर पानी में फूल डल गया और उस फूल को निकाल कर आपने महादेव को समर्पित करा, देवी देवता को समर्पित करा, ठाकुर जी को समर्पित करा, कृष्ण राम नारायण लक्ष्मी को समर्पित करा, तो जो पानी में पड़ा हुआ फूल निकाल कर अगर हमने देवता को चढ़ाया तो वो निर्माल्य के तुल्य हो गया। काय के तुल्य है, निर्माल, निर्माल जानते हो, भगवान पे चढ़ा हुआ फूल, मतलब उसका कोई परिभाषा नहीं है, तुम कितने ही चढ़ा लो निर्माल्य के तुल्य। अगर पानी में पड़ा हुआ पुष्प निकाल कर पानी के लोटे में से, पानी के कलश में से, पानी की बाल्टी में से उठाकर चढ़ाया है तो वो निर्माल्य हो गया, मतलब चढ़ा चढ़ाया फूल हो गया, उसको भगवान स्वीकार नहीं करते, याद रखिए। उसी तरह जैसे तांबे की प्लेट में रखा हुआ चंदन, तांबे की प्लेट में अगर चंदन रखा है और वो अपन ने लगा दिया तो वो चमड़े के बराबर हो जाता है, इसलिए तांबे की प्लेट का चंदन किसी को नहीं चढ़ाया जाता, किसी देवता को नहीं लगाया जाता, किसी देवता निर्माल नहीं। भगवान शिव कहते हैं तुम्हारे पास में कुछ नहीं है, पूर्णता का समर्पण, पूर्णता। पर आज के जमाने में लोग पूर्णता देते कहां है? एक बात बताओ, भगवान के मंदिर में नारियल फोड़ा, राम जी के मंदिर में, हनुमान जी के मंदिर में नारियल फोड़ा, और वो नारियल फूटने पर अच्छा निकल गया तो भगवान ने स्वीकार करा कि नहीं करा? अरे बोलो जम के, अच्छे से बोलो, करा? अच्छा ठीक है, आप बोल रहे हो करा, शिमा पुराण करे ही नहीं करा? अगर नारियल फोड़ने पर राम मंदिर, हनुमान मंदिर में, देवी मंदिर में नारियल को फोड़ा और फूटने के बाद अगर वो नारियल अच्छा निकल गया, उसमें से थोड़ा सा टुकड़ा तो तुमने भगवान को चढ़ाया, बाकी का सब घर ले जाके चक्कू से निकाल निकाल के खा गए। और मान लो वो नारियल फूटने पर बेकार निकल गया तो तुम उसको घर ले जाओगे? नहीं। क्या करोगे? जब हनुमान जी की परिक्रमा कर रहे होगे तो नारियल को वहीं पटक दो। तो भगवान शिव की कथा कह रही है कि भगवान शंकर को पूर्णता का भाव चाहिए, बेलपत्र दो पूर्ण दीजिए, पुष्प दो पूर्ण दीजिए, जो कुछ अक्षत भी दे रहे हो तो पूर्णता में दीजिए, भगवान को अधूरा समर्पण नहीं चाहिए। शंकर जी की तो केवल एक अपूर्णता है, वो परिक्रमा है। देखिए शिव जी की परिक्रमा कितनी होती है? आधी, पूरी नहीं होती। वो भी क्यों होती है आधी? ये शंकर जी ने गड़बड़ी कर दी थी ना, बड़ा जो बेटा था वो माँ को प्रिय था और छोटा बेटा, अरे बोलो तो, बाप को प्रिय था। अब शंकर भगवान बड़े आनंद में, अभी उन्होंने क्या करा, शंकर जी को गणेश जी से बड़ा लगाव हो गया था, बड़ा लगाव एक बार बहुत, और भगवान भोलेनाथ जी ने कहा जाओ, जो पृथ्वी की पहले परिक्रमा कर कर आएगा उसका प्रथम गिनती में गिना जाएगा। कार्तिकेय तो गए मोर पर, गणेश जी बैठे चूहे पर, और माता पिता की परिक्रमा लगा ली। अब माता पिता की परिक्रमा लगाई तो शंकर भगवान को हंसी आ गई, और शंकर जी ने रोक कर कहा बेटा क्या कर रहे हो? भोलेनाथ जी से कहा पिताजी मैंने आपकी परिक्रमा लगा ली, तमेव माता च पिता तमेव तमेव बंधुस्य सखा तमेव, मैंने आपकी परिक्रमा लगा ली, मतलब मेरी पृथ्वी की परिक्रमा हो गई। तो भगवान भोलेनाथ ने कहा गणेश मैं तुझे प्रथम गिनती में गिनता हूं, तो पहले पूजा जाएगा। जैसे ही भगवान शंकर ने बोला माता पार्वती सिंहासन पर से खड़ी हो गई। पार्वती सिंहासन पर से जैसे ही खड़ी हुई, थोड़ी देर में कार्तिकेय बाबा आ गए, और कार्तिकेय ने आकर कहा वाह मां, वाह मां, गजब करा तूने, छोटे भाई को प्रथम गिनती में गिनवा दिया और मैं बड़ा बैठा ही रहा, मैं तो परिक्रमा करने गया था माँ, परिक्रमा गणेश ने करी वो तुम्हारी करी, पर पिता के वचन को अगर निभाया तो मैंने निभाया है कि जो पृथ्वी की पहले परिक्रमा कर कर आएगा वो प्रथम गिनती में गिना जाएगा, मैंने पृथ्वी की परिक्रमा करी है। माना आप माता हो, माना आप पिता हो, पर गिनती तो वही कराई जाए। माँ आज मेरा अपमान हुआ है, कार्तिकेय जी ने कहा
जगदम्बा खड़ी होकर बोली, भोलेनाथ मैं आपसे वचन लेती हूं, आप भोले हो, आप दयालु हो, आप करुणा सागर हो, जो आपकी परिक्रमा लगाएगा आप उसको हर कुछ दे दोगे, इसलिए आज आपसे वचन लेती हूं कि आपकी परिक्रमा जिंदगी में कभी पूरी ना लगे, जो लगाए उसे हत्या का दोष लग जाए। शिव जी ने कहा तथास्तु। तथास्तु उस दिन का नियम है, शिव जी की परिक्रमा आधी चालू होकर आधी में पूर्ण हो जाती है, पर बाबा भोलेनाथ जी की परिक्रमा पूर्ण नहीं होती, क्योंकि बहुत सरल देव है साहब, बाबा भोलेनाथ बहुत सरल, बहुत सरल, कितना सरल देव। आपके यहां कोई ऐसा देवता बताओ राम जी के ऊपर दिन में 2 बजे जाके पानी चढ़ा के बताओ, भगवान विष्णु पे देवी जी के मंदिर में जाके चढ़ा के बताओ, केवल एक भोलेनाथ जी आराम से बैठा है, जब तू घर में फ्री हो जाए तब लोटा लेके आ जाना, जब तू फ्री। और सावन महीने में तो कभी आप काशी, महाकाल, उज्जैनी आदि काधिक, ओमकारेश्वर, मल्लिकार्जुन आदि आदि जगह जाके देखो तो इतनी भीड़ रहे, लोग कांवड़ ले, कांवड़ जानते हो ना, कांवड़ लेकर जाते हैं और कांवड़ लेकर जाके पानी की पानी, और कोई कोई तो वहीं पे कांवड़ का लोटा तक भगवान पे फेंक दे। पार्वती जी बोलती हैं, भोलेनाथ क्या दशा हो रही तुम्हारी, भगवान बोले मैं भी चुप बैठा, तू भी चुप बैठे रहे, अपने कहीं नहीं बोलना, बस चुपचाप बैठे रहो आँख बंद करके।